वेलकम टू द ओवरव्यू वीडियो ऑफ रियल मी एक्स टू। सो ये गाइस कैसे हो आप सब, और ऑब्वियसली इस वीडियो में बात करके रियल मी एक्स टू के बारे में। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस साल की आखिरी अनबॉक्सिंग के लिए हमारे चैनल पे, और 730G जो कि मिड रेंज फ्लैगशिप प्रोसेसर है आफ्टर 845 मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर ऑफ द लॉट 730G। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे लगा कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, पर आफ्टर 24 आवर्स आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, पर जब आप पबजी में जाएंगे तो आपको बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होगा। क्यों होगा आगे वीडियो में आपको बताएंगे। कैमराज के बारे में बता दूँ, कैमरा मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा लगा रियल मी एक्स टू प्रो से भी। रियल मी एक्स टू प्रो मुझे बहुत बुरा लगा था कैमरा परफॉर्मेंस, पर यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डिसेंट लगा बैक कैमरा परफॉर्मेंस रियल मी एक्स टू का, एंड एज वेल एज द फ्रंट कैमरा ऑल्सो। सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले पबजी में चलते हैं। 730G प्रोसेसर, 730 का इम्प्रूव वर्जन है गेमर्स के लिए, पर यहाँ पर जब आप सेटिंग्स में जाते हैं तब आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम सेटिंग्स देखने के लिए मिलेगी ग्राफिक्स में वो है HD एंड हाई, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो। इवन आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक भी नहीं जा सकते हो, मैक्सिमम आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो एंड बैलेंस प्लस अल्ट्रा तक भी जा सकते हो। मैंने गेम प्ले किया है, गेम प्ले उतना बुरा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको जो फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलते हैं, लैग देखने के लिए मिलता है, गेम प्ले बहुत ज़्यादा बढ़िया था। पर अगर मैं इसे कंपेयर करूँ रेडमी नोट 8 प्रो के साथ, तो आपको वहाँ पर जो रॉ परफॉर्मेंस मिलता है हीलो G90T और जो वहाँ पर ग्राफिक्स है जो कि है माली G76 MC4, वहाँ पर आपको रॉ परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और ऑब्वियसली HDR और अल्ट्रा फ्रेम रेट्स में आप आउट ऑफ द बॉक्स गेम प्ले कर सकते हो रेडमी नोट 8 प्रो में, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और वहाँ पर आप 6 प्लस 128 GB वेरियंट आपको 16,000 में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 464 मिलता है 17,000 में। इवन अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी M30S की बात करूँ तो वहाँ पर भी आपको स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन मिलता है पबजी में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं रियल मी 5 प्रो की बात करूँ जो कि लगभग 11,000-12,000 का मिलता है ऑफ़र में, वहाँ पर भी आप जो है सेम सेटिंग्स में जो कि आपको 730G ऑफ़र कर रही है उसमें आप पबजी गेम प्ले कर सकते हो। और जो कैमरा है रियल मी 5 प्रो का सोनी का IMX586, जो कि एनी डे बेटर है इस 64 मेगापिक्सल वाले प्राइमरी सैमसंग GW1 सेंसर से। मैंने दोनों सेंसर्स को बहुत ही करीब से यूज़ किया है और एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, एनी डे बेटर है रियल मी 5 प्रो देन रियल मी X2 रिगार्डिंग द कैमरा। सो मैं बहुत डीपली डिसअपॉइंटेड हूँ इस डिवाइस से। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बता सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।